मुरादाबाद के कांठ रोड स्थित एसएस चिल्ड्रन एकेडमी के पास शिव भक्त रावण सेवा भंडारा समिति के सौजन्य से हर वर्ष में शिव भक्त कांवरियों के सेवार्थ दो बार शिविर लगाकर सेवाएं प्रदान करते हुए सिर्फ कांवरियों को भोलेनाथ के भंडारे के प्रसाद का वितरण किए जाने के साथ साथ उनके स्नान ध्यान और विश्राम करने की सेवा की जाती रही है, जो इस वर्ष भी जारी रही। इस वर्ष भी भगवान की पवित्र धर्म नगरी हरिद्वार से माँ गंगा का जल अपने कांवर में भरकर शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने आने वाले शिवभक्त कांवरियों के सेवार्थ शिविर लगाकर जहां एक ओर उनको भंडारे के प्रसाद का वितरण किया गया तो वहीं उनके विश्राम के लिए भी पूरे इंतजाम किए गए। साथ ही इस अवसर पर भक्तों द्वारा शिविर में भगवान भोलेनाथ का बड़ा ही सुंदर दरबार सजाया गया। दरबार में विराजमान भगवान शिव की पूजा आराधना करने के पश्चात शिविर का शुभारम्भ किया गया। हमारा जो है शिवरात्रि के अवसर पर लगाते हैं हम हमेशा, और भैसा लगाते हैं, और यहाँ पे फल फ्रूट वगैरह खाने होने की सुविधाएं हैं। जैसा कि जो है ना, दो साल से कोरोना चल रहा था, कोरोना नहीं है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। पहले तो बहुत दिक्कत आई इसमें, कोरोना के टाइम पे हमारे भोलों को भी बहुत दिक्कत आई, कांवर नहीं आ पाए। आज बहुत ये कोरोना का खुला है, थोड़ा योगी जी के सहयोग से और सभी लोगों के भगवान की कृपा से, बाबा की कृपा हुई है थोड़ी सी, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा है। इस अवसर पर आशुतोष खन्ना, संतोष त्रिपाठी, अजय सक्सेना, रूप किशोर, ध्यान सिंह, पवन शर्मा आदि सहित उपस्थित अन्य भक्तों ने शिव भक्त कांवरियों की सेवा कर धर्म लाभ अर्जित किया।